नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मैक्सिको ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया। एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को गुरुवार को मैक्सिको का अहम समर्थन मिला है। यह समर्थन ऐसे समय में मिला है जब 48 देशों के गुट की बैठक होने वाली है। एनएसजी के सदस्यों को परमाणु प्रौद्योगिकी के निर्यात और इससे संबंधित व्यापार करने की अनुमति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रिक पेना नीतो ने कई द्विपक्षीय एवं वैश्विक मामलों पर व्यापक वार्ता के बाद एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को देश के समर्थन की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समर्थन के लिए मैक्सिको का धन्यवाद दिया और उसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अहम साझेदार बताया। मोदी ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि भारत ने नहीं किया योग पर आईपीआर का दावा। अमेरिका में योग करने वालों की संख्या 3 करोड़ होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से कहा कि भारत ने अब तक योग पर बौद्धिक संपदा का अधिकार का दावा नहीं किया है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि SIRI हमसे कहता है कि भारत के प्राचीन धरोहर योग का अभ्यास करने वाले अमेरिका में 3 करोड़ लोग हैं। यह भी अनुमान है कि अमेरिका में कर्व बॉल फेंकने वालों से ज्यादा योग करने वालों की संख्या है। मोदी ने कहा कि दो देशों को जोड़ना भी 3 करोड़ भारतीय अमेरिकियों का एक खास और जीवंत पुल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वे आपके बेहतर CEO, शिक्षाविद, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, डॉक्टर शामिल हैं। वे आपकी ताकत है और वे भारत की भी शान है। ट्राई ने कहा कि कॉल ड्रॉप में जेल भेजने का अधिकार हो। कॉल ड्रॉप पर लगाम के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सरकार से उसे अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की है। नियामक ने सरकार से कानून में संशोधन कर उसे नियामक व्यवस्थाओं के उल्लंघन के मामले में मोबाइल ऑपरेटरों पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने तथा कंपनी के कार्यकारियों को 2 साल तक की जेल की सजा दिलाने का अधिकार दिए जाने की अपील की है। ट्राई ने दूरसंचार विभाग को ट्राई कानून 1997 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन का सुझाव दिया है, जिससे क्षेत्र को एक प्रभावी नियामक मिल सके। ट्राय ने प्रत्येक कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ताओं को 1 रुपए प्रति कॉल और एक दिन में अधिकतम 3 रुपए तक का जुर्माना दिए जाने का आदेश दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया था।